Hello everyone, welcome back again to my YouTube channel Learn Biology Concept. So how are you all guys? I hope all of you are well. So today I am here again guys for you with a new topic. You can see here titrations of the amino acids. Okay. So everyone, आज हम लोग पढ़ेंगे titrations curves of amino acids. ये है आपके MSc जूलॉजी के जो भी MSc या BSc, ठीक है, MSc या BSc के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हेल्पफुल होने वाला है titrations curves of amino acids. सो एवरीवन, इसके पहले मैंने अमाइनो एसिड का क्लासिफिकेशंस और इंट्रोडक्शंस, ठीक है, एंड बायोसिंथेसिस और क्लासिफिकेशंस अमाइनो एसिड्स के, और अमाइनो एसिड्स के मैंने दो वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ. हाँ, एक और वीडियो अमाइनो एसिड्स का रिएक्शंस, ठीक है, तो दो वीडियो हमने अपलोड कर दिए. आज ही हमारा तीसरा पार्ट है अमाइनो एसिड्स का, टाइट्रेशन कप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स, ठीक है. सो एवरीवन, चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या है ये अमाइनो एसिड्स, टाइट्रेशन क्या है, ठीक है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए. इंट्रोडक्शन सही. टाइट्रेशन इज द एनालिटिकल मेथड्स यूज टू डिटरमाइन द अमाउंट्स ऑफ एसिड इन अ सॉल्यूशन, ठीक है. जो भी हमारा सॉल्यूशंस, जैसे कि ये हमारा क्या है, ये हमारा सॉल्यूशंस है, एक कंटेनर में क्या हमारा ये एसिड का सॉल्यूशंस है, ठीक है. तो ये क्या कह रहा है, टाइट्रेशन क्या एनालिटिकल मेथड्स है जिसे हम क्या डिटरमाइन कर सकते हैं कि कोई भी सॉल्यूशंस में ये सॉल्यूशंस है तो इसमें हमारा एसिड कितना है, ठीक है. इसके डिटरमिनेशन को हम लोग क्या कहते हैं, टाइट्रेशन. ओके, हम लोग नहीं करते हैं ए मेजर और मेजर वन मिनट अभी में वन मिनट और मेजर वॉल्यूम्स ऑफ वन मिनट अभी A measured volume of the acid solution is titrated by the slowly adding a solutions of base, ठीक है. जो भी हम लोग solutions लेते हैं, ठीक है, जो भी solution, ये solution में जो हमारा acid है, ठीक है, acid है, present है, तो acid solutions को हम लोग volumes, acid solutions के volumes को कैसे measured करते हैं, तो by adding slowly, इसमें क्या add करते हैं, slowly base add करते हैं, ठीक है. बेस को हम लोग ऐड करते हैं स्लोली, तब हम लोग टाइट्रेट करते हैं, ठीक है. टाइट्रेशन कप्स आर ऑब्टेंड व्हेन पीएच ऑफ द गिवन वॉल्यूम्स ऑफ अ सैंपल सॉल्यूशंस वेरीज आफ्टर सक्सेसिव एडिशंस ऑफ एसिड और अल्कली, ठीक है. तो क्या करें कि जो हमारा टाइट्रेशन कप्स ऑब्टेंड होते हैं, जब क्या होता है हमारा वॉल्यूम्स का क्या होता है, पीएच वेरीज करता है कब, आफ्टर सक्सेसिव एडिशंस ऑफ एसिड्स और बेस के एडिशन से, जो भी हमारा पीएच वेरीज करता है उससे ही हमें क्या होता है, टाइट्रेशन कप्स ऑप्टेंट्स होते हैं, ठीक है. हम लोग आगे देख लेते हैं. एक हमारा टर्म्स है ड्यूटेरायंस, ये क्या, इट इज अ डाईपोलर आयंस कंटेनिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, दैट इज इसे हम लोग न्यूट्रल चार्ज भी कह सकते हैं, ठीक है, न्यूट्रल चार्ज भी कह सकते हैं. ड्यूटेरायंस का मतलब हुआ डाईपोलर आयंस कंटेनिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस चार्ज, दोनों कंटेन करते हैं, यानी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों जब रहेंगे तो क्या जाएगा, चार्ज न्यूट्रल हो जाएगा. ओके, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, ड्यूटेरायंस बोलते हैं, ठीक है. हम लोग आगे देख लेते हैं, व्हाट इज अ टाइट्रेशन. सो टाइट्रेशन ऑफ अमाइनो एसिड इलस्ट्रेट द इफेक्ट ऑफ पीएच, ठीक है. टाइट्रेशन क्या इलस्ट्रेट करता है, क्या डिफाइन देता है, क्या हमें देता है, तो इफेक्ट्स ऑफ पीएच ऑन द नेट चार्ज ऑफ अमाइनो एसिड्स. जो भी अमाइनो एसिड्स का जो चार्ज है,
जो भी हमारे उसका टोटल चार्ज है उसमें हमारे क्या इफेक्ट पे पीएस पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है वो हमें पता चलता है, ठीक है। इट इन्वॉल्व द ग्रेडुअल रिमूवल ऑफ द प्रोटोन्स विद द इंक्रीजिंग पीएच, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे हमारा सॉल्यूशन में पीएच इंक्रीज करेगा वैसे क्या होगा हमारा रिमूवल्स और प्रोटोन्स, यानी कि प्रोटोन्स का रिमूवल होगा, यानी कि एच प्लस आयन्स का क्या होगा रिमूवल होता चला जाएगा, ठीक है। हम लोग आगे देखते हैं, अब हम लोग देखते हैं नाउ एग्जाम्पल्स के साथ लेट अस अंडरस्टैंड, ये तो कटा हुआ ना इससे हम देख लेते हैं, ठीक है। लेट अस अंडरस्टैंड द टाइट्रेशंस ऑफ नॉन आयनाइजेबल आर ग्रुप कंटेनिंग, ठीक है। तो हम लोग टाइट्रेशन अब कैसे समझेंगे, जो टाइट्रेशंस को टू ग्रुप्स में अमाइनो एसिड्स को टू ग्रुप्स में बांटा गया, फर्स्ट है नॉन आयनाइजेबल आयन ग्रुप्स एंड सेकेंड आयनाइजेबल आयन ग्रुप अमाइनो एसिड, ठीक है। सो नॉन आयनाइजेबल्स का मतलब क्या है, नॉन आयनाइजेबल्स का मतलब है जिसका आर जो हमारा अमाइनो एसिड, हम लोगों ने अमाइनो एसिड्स का स्ट्रक्चर देखा था, ठीक है। अमाइनो एसिड्स का स्ट्रक्चर क्या होता है, NH3N कार्बन, फिर क्या होगा एक हाइड्रोजन ग्रुप्स होता है, एक अमाइनो ग्रुप्स, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स होते हैं और एक क्या होते हैं आर ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। आर ग्रुप्स होते हैं जो ये साइड ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। तो ये जो साइड चेन्स होते हैं जो आर ग्रुप के क्या होते हैं वेरिएबल होते हैं, तो ये क्या कह रहा है जो आयन आर ग्रुप क्या होते हैं नॉन आयनाइजेबल होते हैं, यानी कि आर ग्रुप जो होते हैं कैसे होते हैं नॉन आयनाइजेबल, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन्स को ना डोनेट करते हैं ना एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स को या आयन्स को ना डोनेट करते हैं ना एक्सेप्ट करते हैं, इसीलिए हम लोग नॉन आयनाइजेबल बोलते हैं, ठीक है। नॉन आयनाइजेबल आर ग्रुप ऐसे कौन कौन से हैं, ग्लाइसिन है, एलानिन, वैलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूशन, प्रोलिन, मेथियोनिन, फिनाइलएलानिन, ट्रिप्टोफैन, सेरीन, थ्रियोनिन, एएसएन और ग्लूटा एएसएन को क्या बोलते हैं एस्पाराजिन और ग्लूटामिन, एस्पाराजिन और ग्लूटामिन। हम लोग अमाइनो एसिड जब पढ़े थे वहाँ पर हम लोग ने थ्री लेटर कोड और सिंगल लेटर कोड भी देखा था, ठीक है एवरीवन। तो अगर आप लोग को पूरा देखना है, इसके फुल नेम्स भी देखने हैं, सिंगल लेटर कोड भी देखना है, तो आप पहले की वीडियो में जाके अमाइनो एसिड्स के वीडियो में जाके देख सकते हो, ठीक है। सो हम लोग देख लेते हैं हम, तो ये जो हमारा हर कार्बोक्सिलिक ग्रुप है इससे हम लोग क्या बोलते हैं पी के ए बोलते हैं, या पी फोर हमारा क्या हो जाएगा पीएच, है ना, पीएच का और के ए पी के ए को क्या बोलते हैं पी के वन, कार्बोक्सिलिक ग्रुप के पी के ए को क्या बोलते हैं पी के वन, और पी के टू ये क्या होगा स्मॉल होगा, ठीक है, सब स्मॉल होगा। पी के ए को हम लोग उसको भी क्या बोलेंगे पी के ए बोलेंगे, क्योंकि ये सब क्या होगा प्रोटॉन्स आयनाइजेबल होते हैं, प्रोटॉन्स को डोनेट करते हैं, ये क्या होते हैं ब्रेक्स होते हैं, ठीक है। आयन्स के कारण ये क्या होते हैं ब्रेक्स होते हैं, इसलिए हम लोग डिसोसिएट्स होते हैं, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं पी के ए बोलते हैं, ठीक है। तो अमोनिया ग्रुप है वो अमाइन ग्रुप से वो पी के टू कहलाता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप पी के वन कहलाता है, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं एग्जाम्पल्स के तौर पे, अब हम लोग टाइट्रेशन क्या है वो पहले देख लेते हैं। तो नॉन आयनाइजेबल आर ग्रुप्स कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स हैव टू आयनाइजेबल ग्रुप्स अल्फा अमाइनो और कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स, ठीक है। टू अमाइनो ग्रुप्स है अल्फा अमाइनो एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स है दैट कैन अंडरगो प्रोटोनेशन एंड डीप्रोटोनेशन, ठीक है। प्रोटोनेशन का मतलब क्या होता है प्रोटॉन्स का प्रेजेंट होना, डीप्रोटोनेशन का प्रोटॉन्स जो प्रोटॉन्स होते हैं उनका रिमूवल होना, ठीक है। रिमूव हो जाएगा जब तो डीप्रोटोनेशन हो जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग एग्जाम्पल अब देख लेते हैं टाइट्रेशन ऑफ एलानिन का, ठीक है। तो एलानिन का ये क्या होता है हमारा एलानिन का स्ट्रक्चर है NH3 अमाइन ग्रुप है, ये अल्फा कार्बन है, ठीक है, हाइड्रोजन और कार्बोक्सिलिक ग्रुप और एसिटिक CH3 जो CH3 होता है ये किसका एनालिन का स्ट्रक्चर्स होता है, CH3 होता है उसमें प्रेजेंट, ठीक है। हम लोग आगे देख लेते हैं, सो हमारा ये पीएच रेंज है 1 से लेकर के 14 तक, ये हमारा पीएच रेंज है और नेट चार्ज प्लस 1 0 और माइनस 1 कैसे होता है हम लोग देखते हैं एनालिन का नेट चार्ज, ठीक है।
तो ये क्या अभी फुल्ली प्रोटोनेटेड है, ठीक है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, अमाइनो ग्रुप्स है, CH3 है, H है, ठीक है। अल्फा अल्फा कार्बन ग्रुप है, ठीक है। अब क्या होंगे ये जो होते हैं, अब नेक्स्ट ये जब जैसे हम लोग इसमें बेस ऐड करेंगे, ठीक है, बेस ऐड करेंगे तो हमारा पी के वन वैल्यू कितना आएगा, 2.3। पी के वन वैल्यू कितना आएगा, 2.3, ठीक है। तो ये हमें कैसे आएगा, तो ये हमें क्या होता है, वैल्यू बुक्स में दिए होते हैं, ठीक है। पी के वन के वैल्यू बुक्स में दिए होते हैं, एलानिन का पी के वन वैल्यू इतना होता है, ये हमारा दिया होता है, ठीक है। आप बुक्स में देख सकते हो, अभी मैं आपको कुछ पी के वैल्यूज लिखवा दूंगी, ठीक है। कुछ कुछ अमाइनो एसिड्स की मैं पी के वैल्यूज लिखवा दूंगी, लेकिन आपको बुक में भी अपने देख सकते हो या सर्च करके कहीं गूगल से भी देख सकते हो, ठीक है। पी के वैल्यूज, तो पी के वन कितना है, जैसे ही आगे बढ़ा एसिड या बेस हम लोग ऐड करेंगे इसमें एलानिन में, अमाइनो एसिड्स में, ठीक है, एलानिन अमाइनो एसिड्स में, तो क्या होगा, अब यहाँ पर हमारा होगा ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो क्या होगा, 1 हाइड्रोजन, यानी कि 1 हाइड्रोजन क्या होगा, ये डोनेट कर देगा, और क्या पर यहाँ पर माइनस चार्ज आ जाएंगे, ठीक है। माइनस यहाँ पे क्या है, यहाँ पर क्या था, प्लस NH3 में प्लस चार्ज अमोनिया में, और यहाँ भी, और यहाँ पर ना प्लस है ना माइनस है, तो क्या होगा, एलानिन प्लस 1 होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, 1 प्रोटोन्स क्या होंगे, डोनेट करेगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप, 1 प्रोटोन डोनेट करेगा, ठीक है। अमोनिया ग्रुप अभी कोई डोनेट नहीं करेगा क्योंकि सक्सेसिव मैनर में डोनेट्स होते हैं, ठीक है। जैसे जैसे हम लोग ऐड करते जाते हैं, स्लोली ड्रॉप वाइज ड्रॉप के ऐड करते हैं, बेस या ऐसे ऐड करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, हमारा रिमूवल्स ऑफ प्रोटोन्स होना स्टार्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, हमारा माइनस 1 हो गया, क्योंकि एक हाइड्रोजन क्या हो गया, कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, ठीक है, डोनेट कर दिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस वन, और इस पे हमारा प्लस चार्ज है प्लस 1, ठीक है। माइनस प्लस क्या हो जाएगा, एलानिन 0 हो जाएंगे, ठीक है। और यही जीरो न्यूट्रल्स को हम लोग न्यूट्रल फॉर्म्स को क्या बोलते हैं, ज्यूटाइन्स आयंस बोलते हैं, ठीक है। और इसको आइसोइलेक्ट्रिक PI आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, PH को आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। और आयन को ज्यूटाइन्स बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर PK2 वैल्यूज में जाएंगे, तो PK2 और जैसे और सक्सेसिव मैनर में आगे बढ़ेगा, जैसे और ऐड करते रहेंगे, तो फिर क्या होगा, सेकेंड आयंस इससे अमाइन ग्रुप से भी एक हाइड्रोजन क्या होगा, रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा क्या जाएगा, एलानिन में -1 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इस पर कोई चार्ज नहीं है, लेकिन कार्बोक्सिलिक ग्रुप पे -1 अभी भी है, ठीक है। तो एलानिन -1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, फुल्ली डिप्रोटोनेटेड। अब इसके बाद कोई भी हाइड्रोजन इससे या प्रोटोन्स रिमूव नहीं होंगे, ठीक है। जितना होना था हो गया, ये फुल्ली प्रोटोनेटेड था, ये ड्यूटेराइन आयंस स्टेज था, ये डिप्रोटोनेटेड था। हम लोग देख लेते हैं आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या है, जब अमाइनो एसिड्स क्या होता हैज नो नेट चार्ज और इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। जब न्यूट्रल हो जाता है अमाइनो एसिड, तो pH को द pH एट विच दिस अकर्स, इस पॉइंट पे जो pH अकर्स होते हैं उसे हम लोग आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कहते हैं, ठीक है। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कहते हैं, किसे कहते हैं, जब अमाइनो एसिड्स के पास कोई भी चार्ज नहीं होता है, ठीक है। जब अमाइनो एसिड्स के पास कोई भी चार्ज नहीं होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाते हैं, तो pH जो होते हैं इस पॉइंट के, उस pH को हम लोग क्या कहते हैं, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, ठीक है। उस pH को क्या कहते हैं, न्यूट्रल pH को क्या कहते हैं, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट बोलते हैं, आई समझ, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। और आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, PI बराबर PK1 प्लस PK2 PK2 डिवाइडेड बाई 2 हम लोग करेंगे, तो हमारा PI वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा जो है स्ट्रक्चर्स, इसका एलानिन का स्ट्रक्चर, तो हमारा PK1 वैल्यूज कितना था, 2.3 आया, और PK2 वैल्यूज 9.7, ठीक है। हम लोग यहाँ से देख सकते हैं, ये हमारा PK जो कार्बोक्सिलिक वैल्यू था, PK2 हम लोग किसको बोल रहे थे, कार्बोक्सिलिक ग्रुप को, PK2 और PK1 हम लोग किसको बोल रहे थे, अमाइनो ग्रुप को बोल रहे थे। तो PK1 वैल्यूज हमारा 2.3 और PK2 वैल्यूज 9.7 आया, तो उसे हम लोग यहाँ पर ऐड कर देंगे, ठीक है, फॉर्मूला में PI में ऐड कर देंगे। ये हमारा PK1 वैल्यूज आ गया, ये PK2 वैल्यूज आ गया, ठीक है। हम लोग इसको ऐड करेंगे, तो
पी आई जो हमारा आईसो इलेक्ट्रिक पॉइंट है वहाँ पर हम लोग ऐड कर देंगे पी के वन और पी के टू, तो हमारा कितना जाएगा 6.0 आ जाएंगे, ठीक है। और ये जो ये हमारा कर्व है टार्टेशियन कर्व ऑफ एलानिन हम लोग देख लेते हैं, तो इधर हमारा क्या होगा पी एच होगा 0 से लेकर के कितना तक होगा 14 तक होगा, ठीक है। यहाँ हम लोग 13 तक सो किए हैं लेकिन 0 से लेकर के 14 तक होगा, ठीक है। यहाँ पर हमारा 7 पी एच होंगे, ठीक है। अब क्या होगा हम लोग धीरे धीरे इसमें ऐड करेंगे इक्विवेलेंट्स ऑफ ओ एच, ओ एच के हमारा बेस है, बेस को हम लोग ऐड करते जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा क्या निकल जाएगा पी के वन वैल्यूज, ठीक है, और मैक्सिमम लोग जहाँ तक ऐड किए यहाँ तक पी के टू वैल्यूज निकलेगा, ठीक है। पी के टू वैल्यूज निकलेंगे और ये हमारा क्या पी आई आईसो इलेक्ट्रिक, तो पी आई जब हम लोग निकालते हैं यहाँ पर नीचे हम लोग पी के वन प्लस पी के टू करके पी आई का वैल्यू निकाले तो कितना है हमारा 6.0 आया, ठीक है। तो वो हम लोग यहाँ पर लिए, तो ये क्या है यहाँ पर हम लोग ने यहाँ पर नोट कर दिया। तो ये क्या हमारा कर्व है, ठीक है, टाइट्रेशन कर्व है किसका, एलानिन का, एलानिन का ये क्या है टाइट्रेशन कर्व, टाइट्रेशन कर्व है। इस तरह से आप किसी का भी टाइट्रेशन कर्व निकाल सकते हो, ठीक है। सबका पी के वन पी के टू वैल्यूज दिया हुआ होता है, ठीक है, तो वहाँ से आप निकाल सकते हो, गिवन होता है पी के वन वैल्यूज पी के टू वैल्यूज गिवन होता है, तो इस तरह से आप अपना टाइट्रेशन कर्व निकाल सकते हो, ठीक है। सो हम लोग अब आयनाइजेबल ग्रुप्स का देख लेते हैं। आयनाइजेबल ग्रुप्स में कौन आते हैं, जो आयनाइजेबल आयोनाइजेबल आर ग्रुप्स का मतलब है कि जो आर ग्रुप्स होते हैं साइड चेन्स वाले जो अमाइनो ग्रुप्स के जो आर ग्रुप्स होते हैं वहाँ पर क्या होता है, अगर अमाइनो एसिड्स यहाँ पे क्या ये जैसे कि इसका ग्लूटामिक एसिड का, ठीक है, ग्लूटामिक एसिड का एग्जांपल है, तो ग्लूटामिक एसिड का आर ग्रुप में क्या होता है सी एच टू सी एच टू सी डबल ओ एच होता है, तो इसमें क्या होता है जो सी डबल ओ एच है ये भी क्या होता है आयनाइजेबल होता है, ये क्या होंगे अपने हाइड्रोजन्स को रिमूव करेंगे, ठीक है। तो इसको आर ग्रुप्स को क्या बोलते हैं पी के आर बोलते हैं, ठीक है, पी के आर बोलते हैं, आर आयनाइजेबल ग्रुप को पी के आर बोलते हैं, फिर ये ये जो कार्बोक्सिल ग्रुप पी के वन और अमाइंस ग्रुप को पी के टू बोलेंगे, ठीक है। इसका वैल्यू पी के आर का इतना आएगा, तो इसका आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट्स क्या होंगे हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर भी उसी तरह रिमूवल होगा सक्सेसिव मैनर में, पहले ग्लूटामाइन ग्लूटामिक एसिड प्लस वन होगा, फिर यहाँ से रिमूव होंगे, ठीक है, वन आयंस, यहाँ से हाइड्रोजन आयंस इससे क्या हो गया रिमूव हो गया, ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ से क्या हो गया रिमूव हो गया, तो कार्बोक्सिलिक को सी ओ माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा नेक्स्ट में क्या होगा, फिर नेक्स्ट आर ग्रुप से रिमूव होगा, ठीक है, आर ग्रुप से रिमूव होगा डिप्रोटोनेटेड होगा, ठीक है, ये फुल्ली प्रोटोनेटेड थे, ये फुल्ली प्रोटोनेटेड स्टेज था, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा ज्यूटेराइन फॉर्म हो जाएगा, ज्यूटेराइन आयन स्टेज हो जाएंगे, ठीक है, ज्यूटेराइन आयन स्टेज और पीएच पीआई पीआई स्टेज हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा फुल्ली डीप्रोटीनेटेड, फुल्ली डीप्रोटोनेटेड स्टेज हो जाएंगे, ठीक है, फुल्ली डीप्रोटोनेटेड हो जाएंगे। स्टेप वाइज में होगा, यहाँ पर फर्स्ट यहाँ से हमारा क्या होगा हाइड्रोजन रिमूव होगा, सेकेंड हमारा आर ग्रुप से हाइड्रोजन रिमूव होगा आर ग्रुप से, और थर्ड हमारा कहाँ से अमाइनो ग्रुप से हाइड्रोजन रिमूव होगा, ठीक है। तो ये था हमारा किसका टाइट्रेशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड्स का, ठीक है। हम लोग कर्व देख लेते हैं ग्लूटामिक एसिड का, हम लोग कर्व देख लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या है पी एच है, ये हमारा पी एच है, ठीक है, 0 से लेकर के 14 तक है। और यहाँ से हम लोगों ने जब ऐड करना स्टार्ट किया एसिड या बेसिस को ऐड करना स्टार्ट किया, तो हमारे यहाँ से पी के एस वैल्यूज इस तरह से हमारा टाइट्रेशन कर्व निकल कर आते हैं, ठीक है, टाइट्रेशन कर्व हमारे निकल कर आते हैं। तो यहाँ पर हमारा पी के वन वैल्यूज कितना हो जाएगा, पी के वन वैल्यूज कितना हो जाएंगे हमारे 2.19 होगा पी के वन वैल्यूज, यहाँ पे 4 के पास है तो 4. पी के आर वैल्यूज हमारा हो जाएगा 4.25, ठीक है, और पी के टू वैल्यूज हमारा हो जाएगा यहाँ पे 9-10 से नीचे है तो 9.67 हो जाएंगे हमारा, कितने इसके अप्रॉक्स होंगे, ठीक है, पी के टू वैल्यूज आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसे
यहाँ पर फॉर्मूला से पी आई बराबर क्या हो जाएगा, पी के वन प्लस पी के आर वाई डिवाइडेड बाई टू, और ये हमारा आ जाएगा पी आई वैल्यूज किसका, तो ये हमारा पी आई वैल्यूज किसका है, ग्लूटामिक एसिड का, ठीक है। तो हमारा पी के वन वैल्यूज और पी के टू वैल्यूज गिवन रहेगा एवरी वन, और पी के आर वैल्यूज अगर क्वेश्चन में आएंगे तो वो भी गिवन होगा, तो हम आसानी से अपना पी आई वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं, बट आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो थैंक यू एवरी वन, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अगर पसंद आया हो तो, ठीक है, बाय एवरी वन।